वेट 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 मेरे भाई, क्या आप भी अपने हेयर में वेल पेंट डालना चाहते हैं एंड मेरे भाई कुछ इस तरीके से अपने फेस को बनाना चाहते हैं? तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिट करना सिखाया जाएगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा एंड मेरे भाई वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे भाई बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो देख लीजिए मेरे भाई, ये हमारा मतलब बिना एडिट किया हुआ फ़ोटो है, कितना ज़्यादा बेकार दिख रहा है मेरे भाई। डॉल एंड ब्लैक एंड है और बैकग्राउंड भी उतने अच्छे तरीके से नहीं है मेरे भाई, एंड मेरे भाई हेयर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं है मेरे भाई। वेल पेंट फेस स्मूथ करना सिखाएंगे आज, ठीक है ना मेरे भाई। वेल पेंट फेस स्मूथ मतलब साथ में आप लोग देखते हैं ना जब, तो हमारा हेयर बहुत ही अच्छा दिखता है और मेरे भाई आप लोग हेयर बनाते हैं ना तो बहुत ही बेकार दिखता है एंड मेरे भाई फेस आपका बेकार दिखता है। तो ये सब कुछ कैसे होगा मेरे भाई, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो को ले लेना है आपको और ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर आएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और सेटिंग को आपको देख लेना है। सेटिंग में मेरे भाई फॉलो को 5 पर, स्ट्रेंज को 16 रखिएगा, उसके बाद कट कीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको अच्छे तरीके से स्मूथ कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे भाई देख लीजिए मैं अपने फेस को कितने अच्छे तरीके से एकदम HD क्लियरिटी में फेस को स्मूथ कर रहा हूँ। और मेरे भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप सबको ना बताया जाएगा कि अपने फेस में वेल पेंट कैसे डाल सकते हैं और मेरे भाई HD में एकदम फ़ोटो एडिट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही भौकाल तरीके से मेरे भाई अपने फ़ोटो को भी आप बना लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ मेरे भाई नॉलेजफुल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर स्मूथ कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से मेरे भाई हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ से भी और यहाँ से अच्छे तरीके से मेरे भाई परफेक्ट तरीके से, ठीक है ना, आराम आराम से आप स्मूथ कीजिएगा। देखिए मेरे भाई मेरा फेस कितने अच्छे तरीके से एकदम क्लीन स्मूथ हो रहा है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से मेरे भाई आप भी क्लीन स्मूथ कीजिएगा, तभी आपका भी फेस एकदम भौंकाल तरीके से वेल पेंट के साथ बनेगा, ठीक है ना। तो जो काम मैं करता हूँ ना मेरे भाई, सेम टू सेम आपको भी वही फॉलो करना है और बाकी इधर उधर मत कीजिएगा मेरे भाई, वरना बेकार हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ ना सेम टू सेम फॉलो कीजिए आप लोग बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना स्मूथ हो चुका है और इसको भी यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से, ठीक है ना, यहाँ भी अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है। और यहाँ भी परफेक्ट तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, इसी फ़ोटो को मेरे भाई ले लेना है और इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है, कहाँ पे, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं ना, स्नैपसीड एप्लीकेशन में इस फोटो को हम शेयर कर लेते हैं। और मेरे भाई बहुत सारे एडिटर हैं मेरे भाई, आप सबको मतलब ऐसे कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा और कोई भी अच्छा तरीके से मेरे भाई एडिटिंग नहीं सिखा रहे आजकल, मैं देख रहा हूँ मेरे भाई। तो आप लोग बस देखते रहिए मेरे वीडियो को और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्टिव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मेरे भाई फेस के ऊपर ब्राइटनेस को बढ़ाना है, उसके बाद डन करना है। फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई और यहाँ देखिए टून इमेज, इसका भी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है और एम्बेनियस को थोड़ा सा बढ़ाना है, सेचुरेशन को। इतना काम कर लेने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ देखिए डिटेल का ऑप्शन होगा और यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई शार्पनेस को बढ़ा दीजिएगा,
और इसको थोड़ा सा कम कीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई सेटिंग। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है ना, तो अब बारी आती है फेस को वाइट कैसे करें। उसके बाद मेरे भाई आप लोग एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, तब आपको बताया जाएगा वेल पेंट कैसे डालें, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। तो भाई लाइटरूम किधर गया, चलिए मेरे भाई ढूंढ लेते हैं। लाइटरूम यहाँ पे है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर कर लेना है। बहुत काम बाकी है मेरे भाई, अभी तो ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे भाई। तो ध्यान से आप लोग देखिए वीडियो को और एंड तक वॉच कीजिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वाले फ़ोटो को लेना है और इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लाइट के ऊपर क्लिक करना है। लाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपोजर को बढ़ा देना है, कंट्रास्ट को कम करना है, थोड़ा सा हाईलाइट को कम करना है, एंड इसको शेडो को बढ़ाना है, एंड वाइट एंड ब्लैक्स को इतना पे रखना है। इतना काम हो जाने के बाद कलर्स के ऊपर आना है। कलर्स के ऊपर आने के बाद मेरे भाई मिक्स के ऊपर आना है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ सेकंड वाले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन कम करना है, लुमिनस को बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई इसका ह्यू को कम करना है, और उसके बाद फर्स्ट वाले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन एंड लुमिनस को बढ़ाना है, एंड ह्यू को कम करना है। इतना काम होने के बाद मेरे भाई ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू पूरा कम करना है, सैचुरेशन को बढ़ाना है, एंड मेरे भाई इसका ह्यू पूरा कम करना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा कम करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, और इसका सैचुरेशन को बढ़ाना है, लुमिनस को कम करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्लियरिटी को बढ़ाना है, टेक्सचर को बढ़ाना है, और इसका विग्नेट थोड़ा सा कम करना है। इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई क्या करना, अब इसको डायरेक्ट वेल पेंट डालने के लिए इसको मेरे भाई डायरेक्ट आपको टूलविज एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा टूलविज एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो शेयर कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं ना, हम इसके अंदर शेयर कर लेते हैं। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आना है और यहाँ इन्हांस के ऊपर क्लिक करना है। इन्हांस के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ शार्पनेस के ऊपर क्लिक करना है, सबसे लास्ट सेकंड लास्ट वाले शार्पनेस के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर होगा मार्क्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन जैसे करेंगे मेरे भाई हमारे हेयर में थोड़ा सा एच डी आर क्लियरिटी डल जाएगा, उसके बाद यहाँ से डन करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से आपको इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद मेरे भाई यहाँ स्मूथ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ चौथे या पाँचवें नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सेम काम मेरे भाई मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लीन करना है आपको। क्लीन करने के बाद मेरे भाई सिर्फ ओनली हेयर के ऊपर आपको अप्लाई कर लेना है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।